लॉ को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके दिमाग में बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेरीज़ आती हैं कि क्या वो टफ है Uh, क्या करिकुलम ज्यादा है इज इट गोइंग टू बी हेक्टिक क्या सेक्शन नंबर्स वगैरह याद करने की जरूरत है मुझसे हो पाएगा या नहीं सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्पेल ऑल दीज क्वेरीज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी इनके आंसर्स जो शायद आप ढूंढ रहे होंगे आई एम गोइंग टू एड्रेस दो हाई गाइज आई एम आयु योर यो मेंट ऑफ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट सो मैंने कुछ क्वेरीज लिस्ट डाउन करी है जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स Uh, पूछते हैं उनके दिमाग में आती है बहुत सारे मैसेजेस मुझे भी आते हैं स्टूडेंट्स के एंड दे रेज दिज क्वेरीज एंड इन दिस वीडियो लेट मी एड्रेस दोज क्वेरीज तो पॉइंटर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत सेक्शन नंबर याद करने होंगे एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन यू नो रियली रोट लर्न दीज थिंग्स क्या ये प्रोफेशन जो है या ये करियर इज मेंट फॉर पीपल जो बहुत रट्टा मार सकते हैं पीपल हु कैन रोट लर्न कि इज़ दिस प्रोफेशन मेंट फॉर दोज पीपल सो so, अगर इस क्वेरी को एड्रेस करें हम सेक्शन के बारे में देर आर सर्टेन कॉलेजेस जहां पर आपको एक्ट ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है एक्ट इज बेसिकली दैट बुक जहां पे हमारे सारे सेक्शंस दिए होते हैं सो इन द एग्जामिनेशन यू आर गिवन द एक्ट आपको वहां से सेक्शन यूज करना है अप्लाई करना है टू अचुएशन एंड देन कम टू एन आंसर नॉर्मली भी इन प्रैक्टिस

आप उस प्रोसेस को सिम्पलीफाई कैसे कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको यू नो रियली यू फील कि मुझे लॉ करना है हाउ ये कुछ फैक्टर्स मुझे स्टॉप करते हैं लॉ करने से सो सेक्शंस की अगर हम बात करें व्हाट यू कैन डू इज उस पर मार्क्स भी नहीं करते हैं आपने सेक्शन पढ़ा सो देर आर सर्टन की इन द सेक्शन वो आपको चाहे याद करो पढ़ते पढ़ते भी यू uh, नो you know, वो याद हो जाते हैं जैसे अगर हम थेफ्ट की बात करें तो थेफ्ट को डिफाइन किया गया है एज डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आप किसी की प्रॉपर्टी मूव कर रहे हो फ्राम द पोजैशन ऑफ अ पर्सन तो ये जो वर्ड्स हैं मूवेबल सो द प्रॉपर्टी शुड भी मूवेबल आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट होनी चाहिए आपने उसको मूव किया है फ्रॉम सम अदर्सन परसन पोजेसन तो ये जो बेसिक टर्म्स है इतना तो आई गेस इफ यू आर परसुइंग एनी प्रोफेशन एट ऑल जो भी आपके एग्जाम्स हैं इतना आप बेसिक चीज़ें याद करते ही हो सो आई वोट से दैट सेक्शन लर्निंग इज़ दैट टफ सो so, ये वाला पॉइंट मैंने एड्रेस किया अभी केस लॉज की बात करते हैं आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स डेटर होते हैं इस चीज़ से कि केस लॉज के नाम याद नहीं होंगे कैसे याद करेंगे इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट्स कैसे पढ़ेंगे सो फॉर दैट आई वुड से कि केस लॉज आज समथिंग वैन यू आर डिस्कसिंग इन द क्लास वैन द टीचर्स आर टॉकिंग अबाउट इट या आप फ्रेंड्स आपस में किसी केस लॉ की बात कर रहे हो नाम याद करना इतना टफ नहीं है आई वॉज एंड डी यू तो डी में क्या होता था हमें केस मैट्स मिलते थे अप्रॉक्सिमेटली फिफ्टी फिफ्टी केसेस पर सब्जेक्ट होते थे सो वी हैड टू रिमेंबर ऑल द नेम्स एंड बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर आई वुड से कि सभी को वो चीज़ें याद हो जाती थी बिकॉज बार बार आप पढ़ने बैठोगे आपको वो स्ट्राइक कर जाता है इट गोज डाउन इन योर मेमोरी एंड नेमोनिक्स होते हैं स्ट्रिक्स होती हैं आपको नाम केसेस के याद करने में इतनी दिक्कत नहीं होती है फैक्ट्स भी अगर आप उसको स्टोरी की तरह पढ़ोगे टुडे ऑल्सो इफ यू नो यू पिक अप एनी नॉवल सो आपको याद रहता है नॉवल का टाइटल भी याद रहता है और उसके अंदर की स्टोरी भी याद रहती है सो केस लर्निंग इज नॉट दैट टफ रीडिंग द जजमेंट इज नॉट दैट टफ क्योंकि हम जब लॉ कर रहे हैं वी आर नॉट रीडिंग द होल जजमेंट वी आर रीडिंग एन अब्रिज वर्जन ऑफ इट धीरे धीरे ऑब्वियसली जब आप लॉ प्रैक्टिस करोगे देन यू विल बी रिक्वयर्ड टू गो थ्रू द जजमेंट्स हाउ एवर कॉलेज में अगर आपको डर है इस चीज़ का कि मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा इवन इफ आई क्लियर द एंट्रेंस ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी होती है दैट इवन इफ आई आई क्लियर द द एंट्रेंस विल बी एबल टू पास होल एग्जामिनेशन द सेमेस्टर और नॉट देन आई वुड से वो भी चीज टफ नहीं है यू नो वर्क ऑन केसेस लाइक अ स्टोरी उसको एक स्टोरी की तरह पढ़ो नाम डिस्कशन से याद हो जाते हैं आपस में इवन सेक्शंस फॉर दैट मैटर आप आपस में डिस्कस करोगे टीचर से डिस्कस करोगे वो चीजें याद हो जाती हैं इट इज नॉट दैट टफ बल्कि की बात करें तो अगर हम सेमेस्टर एग्जाम से के, हर यू नो कॉलेज में फाइव ईयर है थ्री ईयर है नॉर्मली वॉट हैपन्स देर आर फाइव सब्जेक्ट्स इन वन सेमेस्टर विच इज नॉट दैट टफ अगेन आई वुड से कोई और कोर्स भी करोगे इतना uh, सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं सो इट इज नॉट दैट बल्कि अगर आप सेक्शन पढ़ रहे हो केस लॉ पढ़ रहे हो आपको ये चीज़ें याद हो रही हैं देन आई वुड से की बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है करना एंड uh, प्लस आपके साथ में बहुत सारे लोग भी हैं कंबाइंड स्टडी करो अगर आपको लगता है चीज़ें बल्कि हो रही हैं, हैव डिस्कशंस विद योर फ्रेंड्स एंड पीपल हु आर अराउंड यू टीचर्स से डिस्कस करो आई फील दैट कोई भी सब्जेक्ट है अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो वो बल्कि नहीं लगता है एट द एंड ऑफ इट बिकॉज आप उसको इस इंटेंशन uh, से पढ़ोगे कि आपको नॉलेज चाहिए तब वो बल्कि नहीं लगेगा हाउेवर अगर आप किसी चीज़ को उठा के ऐसे पढ़ोगे कि हमें बस एग्जाम के लिए पढ़ना है एग्जाम क्लियर करना है तो चीजें थोड़ी यू नो दे ट्रबल इन द देड हावएर आई वुड से कि प्रोसेस को अपने खुद के लिए सिंप्लीफाई करो बिकॉज यू हैव चोजन लॉ आउट ऑफ इंटरेस्ट एंड यू रियली वॉन्ट टू डू लॉ थिंग्स गेट सिंपल विद टाइम इट इज़ नॉट दैट कि लॉ बहुत बल्कि है इन कंपेरिजन टू द अदर प्रोफेशंस देन श्यूरेटिकल थ्योरेटिकल uh, की अगर हम बात करें ये लॉ इज यू नो वन एग्जाम या वन प्रोफेशन वेर इन यू नीड टू राइट ना थ्योरेटिकल में क्या सिचुएशन है कि आपको कोई भी आंसर uh, कुछ क्वेश्चन आया सो so फर्स्टली उन दो उन क्वेश्चन में वॉट आर यू सपोज टू डू यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई फर्स्टली द लीगल प्रोविजन की इस सेक्शन में क्या लीगल प्रोविजन एप्लीकेबल होता है सो इट इज नॉट जस्ट थ्योरेटिकल इट इन्वॉल्व एनालिसिस आपको क्वेश्चन पढ़ के एक एनालिसिस करना होगा कि क्या सिचुएशंस मीट हो रही हैं क्या सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स उसमें लग रहे हैं तो असेंशियल सेक्शन के आइडेंटिफाई करने हैं फिर उसके ऊपर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है कि जैसे मैंने थेफ्ट की बात करी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अगर दी हुई है तो हम उसको डिफाइन करेंगे डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन दी हुई है तो उसको हम डिफाइन करेंगे कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है देन वी विल कम ऑन टू केस लॉज एंड वी विल ऑल्सो देन डील विद द सिचुएशन की प्रेजेंट केस में जो भी हमने सेक्शन और केस लॉ पढ़े हैं वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं सो इट इज नॉट जस्ट थ्योरेटिकल आई वुड से कि इट इज वेरी वेरी एनालिटिकल सो देयर इज एन एनालिसिस इन द क्वेश्चंस जो हम डील करते हैं व्हेन वी आर लुकिंग एट लॉ बेस्ड एग्जामिनेशन जो हमारे एल एल बी सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं दे आर नॉट जस्ट थ्योरेटिकल दे इन्वॉल्व एनालिसिस एज वेल सो इट इज नॉट दैट बोरिंग और ड्राई वो इट इन्वॉल्व योर रीजनिंग कैपेसिटी आपका Uh, जैसे एंट्रेंसेस में भी आप देखोगे योर रीजनिंग गेट्स चेक इन मेजोरिटी ऑफ द देंसेज सो वही चीज होती है सेमेस्टर uh, एग्जाम्स में भी दैट यू नो स्पीकिंग ऑफ गुड कॉलेजेस जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं इन द फाइनल एग्जाम्स सो दैट इज हाउ यू सपोज टू सी एनालिसिस करना होता है टू आइडेंटिफाई कि इस सिचुएशन में जो हमने लॉ पढ़ा है वो किस तरह से कैसे एप्लीकेबल होगा विच इज ऑल्सो वॉट हैपन्स इन द कोर्ट सो इट इज नॉट दैट कि आपने यू नो फार्मूलाज लर्न किए जैसे मैथ्स में है कि फार्मूलाज लर्न किए अंटिल अनलेस यू आर इन टू कंस्ट्रक्शन और समथिंग या फिर आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स में इन्वॉल्व हो कि वो अप्लाई हो रहा है या नहीं वट एवर यू स्टडी इन योर सेमेस्टर्स इट डज अप्लाई

दैट विल रियली हेल्प यू एंड आप इंटर्नशिप्स कीजिए ऐसे बहुत से ऑप्शनस होते हैं यू वर्क विद डिफरेंट लॉयर्स विच इज़ मैंडेटरी इन समारउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग भी नाउ दे आर रिवाइजिंग द होल लीगल एजुकेशन करिकुलम एंड दे हैव एट सर्टन बेस मेड इट मैंडेटरी कि आप इंटर्नशिप करो तो वहाँ पर भी आप बहुत चीज़ें सीखते हो जो आपको लॉ कॉलेज में नहीं सिखाई जाती हैं तो इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट उस तरह से आप अपनी थ्योरी को सप्लीमेंट कर सकते हो विद स्किल्स इंटरेस्टिंगली वी ऑल्सो हैव अ मॉड्यूल विच विल हेल्प यू लर्न ड्राफ्टिंग हमने एक लीगल नोटिस ड्राफ्टिंग का कोर्स निकाला है मैंने वहाँ पर आपको ड्राफ्टिंग रिसर्च ऐसी स्किल्स के बारे में ऐसे उनको डेवलप कैसे करेंगे हाउ टू एक्जैक्टली राइट ऑन पेपर जो हम टाइपिंग करते हैं तो वो चीज़ें सिखाई हैं आप वो भी हमारी वेबसाइट से चेक कर सकते हो सो आई वुड से कि जो लोग थ्योरी से डरते हैं दे कैन वर्क ऑन स्किल्स एज वेल बिकॉज इफ यू फील दैट इट्स वेरी बोरिंग देन यू कैन सप्लीमेंट इट विद स्किल्स देन सिलेबस की अगर बात करें तो so, जैसा कि मैंने बोला देर आर यू नो मोस्टली फाइव सब्जेक्ट्स दैट यू आर सपोज टू स्टडी इन अ सेमेस्टर वो कहीं पे भी जनरली भी आप जाओगे वहाँ पर होगा आ, दो तीन साल का जो भी कोर्स करोगे अब यहाँ पर लॉ में कुछ स्टूडेंट्स दे फील दैट यू नो इट्स फाइव ईयर और थ्री ईयर इन कम्पेरिजन टू वॉट आई माइट स्टडी इन एनी अदर कोर्स मेरा शायद कोर्स जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि थ्री ईयर के लिए मुझे पहले थ्री ईयर ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी देन थ्री ईयर लॉ करना पड़ेगा सिक्स ईयर्स मेरे लग जाएंगे एंड फाइव ईयर में तो ऑब्वियसली यू माइट फील की थ्री ईयर मेरा ग्रेजुएशन में लगेगा फिर अगेन टू ईयर्स मेरा अलग से लॉ में जा रहा है हाउ एवर आई वुड से फाइव ईयर में इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सो अपार्ट फ्रॉम लॉ बी ए है बी कॉम है वो भी आपका इट्स अ डूअल सर्ट ऑफ अ डिग्री आप उसको कह सकते हो जो कि आप थ्री और एल बी में भी करोगे हावेवर द नॉलेज ऑफ लॉ इट्स रियली यू नो मेक्स इट वर्थ इट कि ऐसा होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ें जेन्यनली लाइफ में अप्लाई भी हो रही हैं प्लस एट द सेम टाइम यू फील वेरी इम्पावर्ड

बट देन यू सी द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि आपके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज़ का अगर यू नो यू आर इंटरेस्टेड इन सम अदर कोर्स एंड यू फील यू नो दैट इट्स इट गोज विद योर पर्सनैलिटी और वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपके पास जॉब एवेन्यूज भी सॉर्टेड आउट है इन योर हेड हैडन ऑब्वियसली दैट्स अ डिफरेंट गेम हाउ एवर फॉर लॉ आई एम टेलिंग यू की उसकी एप्लीकेबिलिटी भी है एंड इट मेक्स यू फील इम्पावर्ड एंड आपके थोड़ी पर्सनैलिटी में भी चेंज आता है जब आप लॉ को एज अ प्रोफेशन परसू करते होक्टिक हेक्टिक आई वुड से टुडे इज द टाइम वेयर इन यू नो हम इतने स्ट्रेसफुल टाइम्स में जी रहे हैं एवरी थिंग इज हेक्टिक हर कोर्स हेक्टिक है सो आई वुड से जैसे कि मैंने अपने लॉ कॉलेज में देखा है कि आपकी लॉ क्लासेस चल रही हैं आप इंटर्नशिप्स पे जा रहे हो सो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज़ को अपने लिए कितना हेक्टिक बनाते हो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि एग्जाम से एक महीना पहले पढ़ रहे हैं पूरे सेमेस्टर्स uh, उन्होंने नहीं पढ़ा है सो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो देर आर सर्टन स्टूडेंट्स वो आर स्टडिंग फॉर यू पी एस सी जोडिशरी टूगेदर विद लॉ तो अगर उनकी वो साइड में प्रेपरेशन भी चल रही है ऑब्वियसली उनके लिए हेक्टिक है बट एट द सेम टाइम जो वो पढ़ रहे हैं वो उनके एग्जाम में काम आ रहा है सो so, हेक्टिक की जो डेफिनेशन है वो ऐसे स्ट्रेट जैकेट फॉर्मुला में हम नहीं डाल सकते हैं इट रियली डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको अपने लिए हेक्टिक बना रहे हैं या हम उसको एक अच्छा यूज ले रहे हैं ऑफ आर एजुकेशन सो अगेन आई वुड से कि और भी ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व ट्रैवलिंग आप कॉलेज जाओगे क्लासेस अटेंड करोगे घर वापस आओगे वट एवर कोचिंग और अदर दैट यू फॉर या फिर आप सिर्फ और कुछ नहीं कर रहे हो जो अपना सेमेस्टर एग्जाम्स है उसकी ही तैयारी कर रहे हो शुरू से सो दैट रियली वेरीज आई वुडेंट से दैट लॉ इज वेरी हेक्टिक हाँ जब हम लिटिगेशन में जॉब करते हैं उस टाइम पे होता है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस क्या है दैट रियली डिपेंड्स ऑन योर करियर चॉइस आपकी कहाँ पे जॉब लगती है वो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम हाउ एवर इफ वी आर टॉकिंग ऑफ योर सेमेस्टर्स एंड दैट वेज की आपकी स्टडीज कैसी रहती हैं देन आई वुड से दैट इट इज़ मॉडरेट बहुत ज़्यादा भी हेक्टिक मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज इतना हासिल तो हमको करना ही पड़ेगा इफ वी वॉन्ट टू डू समथिंग वर्थ वाइल्ड इन लाइफ तो आई वुडेंट से दैट इट्स वेरी हेक्टिक एनालिसिस की मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि थोरेटिकल और एनालिसिस दोनों ही चीज़ें मिक्सड हैं ठीक है आपको आंसर्स लिखने हैं बट हम आंसर्स पेजेस भरने के लिए नहीं लिख रहे हैं वी हैव टू मेक सेंस ऑल्सो एंड यस यू डू गेट रिवॉर्डेड आपके जो एग्जामिनेशन uh, में पेपर चेक होते हैं वहाँ पे एग्जामिनर्स होते हैं जो ये समझते हैं कि आपने सिर्फ पेज भरे हैं या आपने एनालिसिस किया है सो दे आर एबल टू मेक दैट डिफरेंस आउट एंड इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि जो आपने पढ़ा है क्लास में या आपने अपने फ्रेंड से डिस्कशन किया है अपने सेल्फ स्टडी करी है उसको आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो ऑन पेपर दैट एनालिसिस रियली हेल्प यू बिकॉज जब आप लॉयर भी बनते हो आप लिटिगेशन में हो जहाँ कहीं भी जॉब कर रहे हो ऑब्वियसली इट इज रिक्वायर्ड कि आपने जो लॉ पढ़ा है आप उसको इंटरप्रेट करके अप्लाई करो सो इट्स बेटर कि अगर आप उसे लॉ कॉलेज में ही सीख रहे हो देन थिंग्स बिकम ईजियर वाइल्ड एट जॉब सो ओवरऑल आई वुड से हम इफ वी गो बैक टू आर क्वेश्चन इज लॉ टफ आपको अभी जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे समझ तो आ ही गया होगा कि क्या लॉ रियली टफ है आई डोंट थिंक इट इज़ दैट टफ कंसिडरिंग uh, जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए इट रियली डिपेंड्स कि हम उसको कैसे लेते हैं वॉट इज़ आवर अप्रोच आवर थिंकिंग टूवर्ड्स लॉ विद दिस आई होप आई वॉज एबल टू प्रोवाइड सम क्लैरिटी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स uh, शायद लॉ को छोड़ देते हैं बेस्ड ऑन जो मिथ्स हैं जो लोग कहते हैं उसके बेसिस पे एंड अभी शायद आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कुछ और आपको पूछना है यू वांट टू गेट टू नो समथिंग आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए वी विल गेट बैक टू यू बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए चाहे वो आपके लीगल करियर से रिलेटेड हो लीगल स्टडीज़ हो लीगल करंट अफेयर्स हो अपडेट्स हो उसके लिए हमें यहाँ पर फॉलो करते रहिए सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए